अगली खबर है रेत माफियों से जुड़ी हुई, जहां कोयलांचल क्षेत्र में माफियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आप वह पुलिस कर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। 3 अक्टूबर को ऐसी ही एक वारदात घटित हुई, जिसमें मुखबिर से मिली सूचना के बाद चोरी की रेत पकड़ने गए प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि आरोपी ट्रैक्टर भी छुड़ा कर ले गए। घायल प्रधान आरक्षक ने भालूमाड़ा थाने क्षेत्र पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया। भालूमाड़ा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनोज नामदेव ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूचना मिली थी कि बदरा में रेत चोरी की जा रही है, जिसके बाद विश्वजीत मिश्रा नामक आरक्षक को अपनी मदद के लिए बुलाया। दोनों बाइक से बदरा पहुंचे, जहां ट्रैक्टर में रेत का परिवहन पाया गया। वाहन चालक से जब तक रेत के संबंध में पूछताछ की जा रही थी, तभी वहां दीपू उर्फ दीपक सिंह आ गया। उसने प्रधान आरक्षक के साथ झूमा झटकी प्रारंभ कर दी। इसी बीच चालक रेत खाली कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। आरोपी के विरुद्ध भालूमाड़ा थाने में धारा 379, 414, 186, 353, 332, 225, 109 और 114 तथा 392 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में एएसपी अभिषेक राजन ने कहा कि शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है।